ये अफगानी रोटी है। ओ माशाल्लाह, ओए 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 ओए, काली मिर्च आ गई। हाँ, इसकी देंगे थोड़ी सी रोटी। ये भाई सारा रोका बड़ा छोर भाई है। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪਲੇਟ ਜਿੰਨਾ ਬੀਫ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 9 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ 150 ਦੀ ਨਲੀਆਂ ਡਲਵਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਗੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਲਵਾਇਆ ਆਪਨੇ 1500 ਦਾ ਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਡਲਵਾਇਆ 750 ਦਾ ਅੱਛਾ 250 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपर लियर अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज़ साकिब मोबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के अंदर। पेशावर में भाई हम यहाँ पे बहुत डिफरेंट किस्म का फूड ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक चावल मिलते हैं लजीज चावल के नाम से, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे शोभा बाजार के अंदर। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने रहमान गुल के चावल किए थे और लजीज के चावल मुझसे रह गए थे, तो इस दफा हम लजीज के चावल ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त यहाँ पे एक चीज़ मिलती है चैन की गोश्त, वो एक अफगानी कुजीन है, यहाँ पर स्पेशल एक जगह से मिलती है, वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। सारा कुछ हम करते रहेंगे लेकिन इसमें साथ जो है मैं अकेला नहीं हूँ इस वीडियो के अंदर, मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह आसिम भट्ट साहब। आसिम भट्ट साहब, आपका तारुफ वैसे किसी कराने की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह। आप बड़ा भाई हूँ। हाँ जी। और आप माशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। अच्छा जी। तो इंशाल्लाह ग्रो करते रहें इंशाल्लाह। और जो भी माशाल्लाह वीलॉग्स इस वक्त पाकिस्तान में बन रहे हैं, आप उन चंद लोगों में से हैं जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ वो टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। ठीक हो गया। यानी आपकी वीडियो देख के अगर पता जाए जी तो जी। या एक पॉइंट ऊपर या एक पॉइंट नीचे होगा, आसपास पास पास ही होगा। मैंने आपका तारुफ कराना था, भाट साहब का तारुफ माशाल्लाह सबसे हाई, बाकी फूड के बारे में गुरु हैं माशाल्लाह से, फूड की टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, टेस्ट को समझते हैं, मसालों को समझते हैं, फ्लेवर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पे मैं फंस जाऊँगा आपसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह। वीडियो के अंदर जो है ना गाहे बगाहे आपको इंशाल्लाह भाट साहब नजर आते रहेंगे। पेशावर की एक दो और वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह, उसमें भी आपको भाट साहब नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करें। अच्छा जी, अभी हम आ गए लजीज चावल पे, शोभा बाजार का ही एरिया है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था मैंने रहमान गुल के चावल खाए थे, लजीज चावल रह गए थे, उस टाइम शायद वीडियो बनाने का कोई इशू था, अब बहरहाल नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि बिल्डिंग इनकी बन रही है। आप चावल खाने आए हैं यहाँ पे? अच्छा, मज़े के होते हैं? बहुत मज़े के हैं, कट मज़े के, डेढ़ मज़े सही हो गए। तो अभी जो है ना इनसे, इनकी एक छोटा सा इन्होंने कंटेनर सा बनाया, उस कंटेनर के अंदर बैठे हुए हैं, पीछे इनकी प्लाजा बन रहा है, वहाँ पर इनकी दुकान शुकान बाद में गए, अभी इनके पास चलते हैं। अच्छा यार, ये पीछे प्लाजा से ज़्यादा बन रहा है, जब तक वो नहीं बन रहा तब तक ये इस कंटेनर के अंदर बैठेंगे, छोटा सा कंटेनर इसके अंदर बैठेंगे। ये इनका सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह के पास। ये देख पक्की आई हुई है, ये कितनी पुरानी दुकान है, कितनी पुरानी है ये? 25-30 साल पुरानी। तो आपकी सिंपल प्लेट कितने की होती है, सिंगल प्लेट? अगर शादी प्लेट 250 की गोश्त के साथ, तो अच्छा 500 रुपये ला लेते। तो साढ़े जो स्पेशल 350 वाली उसमें क्या डालते हैं? मिक्स डल जाती है। अच्छा अच्छा सही सही। ये जो बन रही है ये कितने वाली है? ये 520 वाले का, किलो का। ये 5, अच्छा किलो वाली प्लेट है ये? ये किलो वाला प्लेट नॉर्मल। सही है सही है, 520 का। ठीक है ठीक है। तो जनाब ये जो है ना अभी पिछले दिन का स्टॉक ख़त्म हो गया, अब ये देख में से निकाल निकाल के जो है इसमें डाल रहे हैं। ये चना मेवा पुलाव है जी, चना मेवा पुलाव मिक्स है जी। सही जी सही दे सही दे भाई जान, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है इसकी, खुशबू से ऐसा लग रहा है कि रहमान गुल चावल से ज़्यादा मज़ेदार है ये। वो मछलियाँ, ये मछलियाँ चेक करें जरा, ये प्लेट प्लेट सिंगल वाली है। हाँ जी प्लेट सिंगल वाली है। हाँ जी, गोश्त दो प्लेट आता आप हमारे साथ है ना? हाँ, तो हमें प्लेटें बनवाने की टेंशन नहीं है, हमें पता है
ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਐ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪਲੇਟ ਜਿੰਨਾ ਬੀਫ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 9 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਦਿਖਾ ਨਾ ਬੱਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਲੀ 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 ਵੀ ਡਲਵਾ ਨਲੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੇਟ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟ 200 ਕੀ 200 ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹ ਇੱਕ ਨਲੀ 100 ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ 150 ਕੀ ਨਲੀ ਆ ਉਹ ਬਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਨਕਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਮੇ ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਂਗੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੇ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚਾ ਕੁੱਚਾ ਕਾਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮ ਖਾਣੇ ਲਗੇ ਹੈ ਇਹ ਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਲੀਆਂ ਡਲਵਾਈਆਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਮਨੇ ਇਹ ਆਸਿਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 150 ਕੀ ਨਲੀਆਂ ਡਲਵਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਗੋਸ਼ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਡਲਵਾਇਆ ਆਪਨੇ 1500 ਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮੇ ਸਿੰਗਲ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ ਹਮ ਕਿਤਨੇ ਖਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹਮਨੇ ਡਲਵਾਇਆ ਹੈ 750 ਕਾ ਅੱਛਾ 250 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1500 ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਇਆ 1500 ਦਾ ਕਿਲੋ ਵੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 150 ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਲੀਆਂ ਡਾਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਲੀ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਨਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਨਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਕੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਜਿਸ ਮੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮੇ ਸੇ ਖੂਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਕੀ ਸਾਦੀ ਨਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਮੇ ਫੈਟ ਲੈਵਲ ਔਰ ਹੈ ਇਸ ਮੇ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਸੇ ਬੋਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨਕਾ ਟੈਕਸਚਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਟ ਆਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 350 ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 750 ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਸੀ ਹਮਨੇ ਇਸ ਮੇ ਮੀਟ ਡਬਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਬ ਹਮਨੇ ਉਸਕੇ ਨਲੀਆਂ ਡਾਲੋ ਤੋ ਉਸਨੇ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੇ ਲੋਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ਨ ਮੇ 19-20 ਕਾ ਹਿਰਫੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਾਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬੋਟੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮਿਕ ਡਾਲਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਮਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਦੋ ਅਬ ਇਹ ਚਮਚੋਂ ਮੇ ਘਿਓ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੀਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਟ ਕੜਾਈ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੜਾਈ ਖਾਣਗੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਹਾਓ ਦੇਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਖਾਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸਕੇ ਸਿੰਪਲ ਬਾਈਟ ਲੈਤੇ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਚਾਵਲੋਂ ਕਾ ਫਲੇਵਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੀ ਆਪਟੀਮਮ ਬਾਈਟ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਟੀਮਮ ਬਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਸੇ ਚਾਵਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਨਾ ਮੇਵਾ ਪੁਲਾਓ ਜਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਚਨਾ ਮੇਵਾ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਕਹਲਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਥ ਮੇਂ ਇਹ ਮੇਵਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਨਾ ਮੇਵਾ ਪੁਲਾਓ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚਲਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਯਹੀ ਹੈ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗੁਲ ਚਾਵਲ ਸੋਚਾਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੜਾ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਾਂ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਚਾਵਲੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਖਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਵਲੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕੇ ਸੇ ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕਾ ਸਾ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਉਤਨਾ ਹਲਕਾ ਸਾ ਫਲੇਵਰ ਚਾਵਲੋਂ ਕਾ ਵੈਸਾ ਹੈ ਚਨੇ ਕਾ ਔਰ ਮੇਵੇ ਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਲੇਵਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਦੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਚਾਵਲ ਕਾ ਫਲੇਵਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚਨਾ ਪੁਲਾਉ ਟਾਈਪ ਚਾਵਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਓਰ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਾਉ ਸੇ ਕੰਪੇਅਰ ਬੀਫ ਪੁਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੀਫ ਪੁਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚਨਾ ਮੇਵਾ ਪੁਲਾਉ ਹੈ ਗੋਸ਼ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਯਖਨੀ ਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਉਸਕੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਗਾਹਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਚਨਾ ਪੁਲਾਉ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਾਦੀ ਪਲੇਟ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕਾ ਜੋ ਆਪਕੋ ਯਖਨੀ ਕਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਵੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਨਕਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਯਖਨੀ ਕਾ ਵੋ ਫਲੇਵਰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਗੋਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਰੇਸ਼ੇ ਲਗਾ ਹੋਣਾ ਗੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਕੀ ਬੋਟੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਲ ਬੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਕੀ ਬੋਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਹਮਨੇ ਡਲਵਾਈ ਉਸੇ ਮੱਛਲੀ ਇਹ ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋ ਵੋ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਡਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਇਹ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਬਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਾਈਟ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਾਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਏ ਓਏ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇਹ ਕਾ ਜੋ ਮੀਟ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਉਹ ਚਬਾਨੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਬਾਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਫਲੇਵਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਛੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਉਹ ਆਪਕੋ ਚਬਾਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਮੇ ਜੂਸਿਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅਨ ਆਪਟੀਮਮ ਬਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਚਾਵਲ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਲੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਲੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਲੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਥ ਮੇਂ ਇਹ ਤੁਮੇ ਚਨੇ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ This is the optimum bite of Laziz Chawal Peshawar.
दिल्ली के अंदर फैट लेवल बहुत कमाल का था और बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर आया, जिसे आप कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आई है इसके अंदर, जाके मुँह में जाके फ्लेवर दिया इसने, वो चीज़ अलग है, गोश्त का फ्लेवर अलग आता है और हल्की सी जो किशमिश जैसी वो टूटती है ना, जो मेवा अंदर मेवा इन्होंने डाला, वो जैसे वो मेवा टूटता अंदर जाके वो एक अलग से पूरे मुँह को मीठा कर देता है। तो ये नमकीन गोश्त का फ्लेवर, उमामी फ्लेवर, बोन मैरो का फैटी फ्लेवर और किशमिश का मीठा फ्लेवर और चावलों का अपना हल्का सा फ्लेवर, ये सारा मिलकर ना बड़ा कमाल किस्म का एक ऑप्टिमम सा फ्लेवर बन रहा है। बहुत कमाल वाइब बन दिया इसमें माशाल्लाह, बहुत आला। अच्छा जी, हमने चावल चावल वहाँ से खा लिए हैं, चावल बड़े मज़े के थे। उसमें अच्छी चीज़ जो है ना वो ये है कि इनकी भी क्वान्टिटी अच्छी आपको मिल जाती है। अगर सिंपल चावल लेना चाहिए आपको सिंपल चावल भी मिल जाएंगे, इनकी टाइमिंग जो है सुबह 7 से लेकर तकरीबन दोपहर 3-4 बजे तक चलता है। तो खैर वो चावल हमने वहाँ से खा लिए हैं, बहुत कमाल के चावल हैं। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो उसको ट्राई कर सकते हैं। इस चावल के बिल्कुल ओपोजिट एक इसके ना सामने एक पुल बना हुआ है, ये रोड की उस तरफ है और रोड के दरमियान में जो है ना जो फुटपाथ चल रहा है उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है, उस पुल के नीचे ये बैक पैक बना रहा है, ये लस्सी वाला एक पॉइंट है, ये लस्सी चल रही है भाई यहाँ पे, इनसे लस्सी सस्सी ट्राई करते हैं। तो सुना है यहाँ पे कि इनके पास रश बहुत होता है, दो पॉइंट है, एक इस तरफ बाबा जी हैं, तो ये बाबा जी लगा बैठे हैं और इस तरफ जो है एक लड़का लगा के बैठा हुआ है, रश थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है तो इसी से ट्राई कर लेते हैं। ये माशाल्लाह भाई ये लस्सी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, क्या हाल है तालुम सदे यासीन सही है। ये जनाब लस्सी बना रहे हैं माशाल्लाह, ये दही और दूध की लस्सी है, पानी भी डालते हो इसमें? पानी नहीं डालते, तो ठंडी कैसे करते हो, बर्फ़ डाल के? सही है सही है। अच्छा माशाल्लाह, ये अखरोट रखा हुआ है, ये काजू है, ये कौन सा, अच्छा वो पनीर है, ठीक है, ये क्या है, खोया, खोया ठीक है, खोया, ये मलाई है, ओ माशाल्लाह ठीक है, ये दही है, सही हो गया, दूध कहाँ है, ओ गिलास गिर गया, दूध ये डाल रहे हो, माशाल्लाह सही है ठीक हो गया। और ये देसी घी भी रखा हुआ आपने, ये बेचने के लिए रखा हुआ है? और यहाँ पे क्या क्या बेचते हैं लस्सी के अलावा? ज्वार की रोटी, अच्छा ठीक है, शहद है, ये भी बेचते हो शहद, ठीक है, ये क्या, ये भी अखरोट है, ठीक है। कितने का गिलास बेच रहे हो लस्सी का, गिलास कितने का? हाँ जी 120 का, ठीक हो गया, एक बनाते हो हमारे लिए माशाल्लाह जी। अब ऊपर क्या डालोगे इसके? ये खोया आएगा, पनीर है, अच्छा पनीर आएगा, ठीक हो गया। अब क्या आएगा, खोया, ठीक हो गया। अब मलाई आएगी, ओ माशाल्लाह। ये क्या जी, ये चार मगज है, सही है, ये काजू आ गया माशाल्लाह। ये क्या है जी, अखरोट आ गया और ये लस्सी का गिलास आ गया। ये भाईजन जो है ना यहाँ पे हमें मिले हैं और इन्होंने हमारी पूरी मेज़बानी की है यहाँ पे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, पेशावर की मेहमान नवाजी, थैंक यू सर। दो जी, ये इन्होंने स्पेशल गिलास बनाया, ये गिलास कितने का है, 130 का हो गया, ये 10 रुपये का शहद ज़्यादा डाल दिया उन्होंने, वैसे 120 का गिलास है, शहद डाल के 130 का हो गया, इसको ट्राई करते भाईजन, ये चेक करो, फुल जो है ना ये इंग्लिश किस्म का लस्सी बना गई इसमें, शहद की ना शहद की मीठी लग रही है, जो नीचे इसकी बेस है ना सारी खट्टी है भाई, दही खट्टा इस्तेमाल किया मैंने, बहुत अलग। तो इन्होंने अच्छा जी ठीक है, जो दही के अलावा बाकी चीज़ें ना सारी मीठी हैं, ये उन्होंने इसमें खोया डाला हुआ ना, खोए का और जो नीचे पनीर डाला हुआ उसका फ्लेवर भी आ रहा है ऊपर से, ओवरऑल ठीक है। बहुत कोई स्पेशल लस्सी नहीं है ये, लेकिन जो कि स्ट्रीट फूड में मिल रही है यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस पूरे बाज़ार में, पूरे बाज़ार के अंदर ना ये दो पॉइंट लगे हुए हैं, एक इस तरफ लगा हुआ है, एक ये पॉइंट लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, इधर एक ये पॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ पे चलने पर ना हर बंदा जो है लस्सी पीता हुआ जा रहा है। तो मुझे किसी ने कहा था कि ट्राई कर लेना, चीज़ ठीक है, अच्छी है, आप पी सकते हैं, बहुत स्पेशल नहीं है ये, मतलब बहुत अच्छी लस्सी नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक स्ट्रीट ड्रिंक के तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे चैन की कढ़ाई, एक स्पेशल मिलती है वो खाने के लिए, शोभा चौका है, शोभा बाज़ार का एरिया है, और यहाँ पे एक चैन की कढ़ाई मिलती है, मटन की बनाते हैं, दुम्बे की बनाते हैं, वो खाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से, लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, शुक्रिया, आपकी
स्पेशल आपकी वीडियो में देखता था। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया जी, मोहब्बत आपकी। ओ सर क्या बेला को खिदमत, बस दुआ कर दीजिए, बात हो कुछ अल्लाह खुश। इधर भी सीन है भाई, मिलते रहते लोग। अभी हम आपको लोकेशन समझाते हैं, फिर चलते हैं। ये नमक मंडी का एरिया है और यहाँ पे ये निसार चस्ती है, इस तरफ निसार चस्ती है, इससे आगे आप आएंगे नमक मंडी रोड है, ये आगे जा रहा है सीधा शोभा बाजार की तरफ। ये शोभा बाजार चौक है, शोभा चौक इसे बोलते हैं। लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो रहमान गुल चावल, लजीज चावल इधर ही हैं। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर रोज़ होटल के साथ अफगान खैबर रेस्टोरेंट है। ये अफगान खैबर रेस्टोरेंट, यहाँ पर चैन की कढ़ाई इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। मुझे किसी ने कहा था कि सखी रेस्टोरेंट का ट्राई कर लें, लेकिन सखी रेस्टोरेंट का जो मैंने पता किया तो वो लोग मुकामी लोग कह रहे हैं कि इनसे अच्छा जो है ये अफगान खैबर रेस्टोरेंट का, तो इनका ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सेंगा चाल दे जोड़ दे, क्या मसला है, क्यों मेरे कैमरे के आगे हाथ करके जा रहे हो बार बार, क्या नाम है? हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये जो पॉइंट है ना अफगान खैबर रेस्टोरेंट, ये है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर ना, ये पॉइंट है। यहाँ पे चावल मिल रहे हैं भाई, ये भी कोई वही चना मेवा पुलाव टाइप चीज़ है, वही देखते हैं। क्या करते हो? कबाड़ का काम करते हो? अच्छा अच्छा, और ठीक ठाक हो? पढ़ते नहीं हो? पढ़ते भी हो? पढ़ा करो यार, क्या करोगे कबाड़ उठा उठा के, पढ़ा करो ठीक है। चलो ये भी भाईजान, ये पुलाव शुलाव मिले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है जी? ये माशाल्लाह भाईजान, इधर भी सीन चल रहा है। भाईजान कितने की प्लेट है ये? 300 की? सही माशाल्लाह। ये दुकान का नाम क्या है आपकी? आपकी दुकान का नाम क्या है? खालिद, खालिद चावल पुलाव, ठीक हो गया। इनके बाद माशाल्लाह बड़ा राशि लगा हुआ पीछे। अच्छा जो खुशबू इसमें से आ रही है ना माशाल्लाह, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पीछे चल रहा है ये पुलाव चलाओ, इसमें से भी जो खुशबू आ रही है ना, खुशबू यार वो भी बड़ी कमाल की है। वो गोश्त चेक करो भाई, मुझे लगा भाई के बाल लग रहे हैं, मास्क है भाई का। अच्छा यहाँ पे ये अच्छी बात है कि चावल तोल के देते हैं, पहले चावल तोलते हैं फिर ऊपर गोश्त रख के वो तोलते हैं, ये सीन अच्छा है भाई यहाँ। अभी हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं भैया, खैबर रेस्टोरेंट, अफगान खैबर रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है जी? क्या नाम है जी आपका? अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर साहब, ये रेस्टोरेंट कितना पुराना है आपका? ये हमारा जी रेस्टोरेंट 3 साल हो गया। 3 साल हो गया, अच्छा अभी बना है। सही, और सुना आपकी चैन की कढ़ाई बड़ी स्पेशल होती है, ठीक है, कितने की है वो? कितने की है वो? 600 की एक है, ठीक है चलें, हम तो स्पेशल वाली बनवाते हैं। ये क्या गोश्त है? बीफ टिक्का है। अच्छा ये वो अफगानी टिक्का के लिए दुम्बा लगाते हैं। सही, ये दुम्बे की चक्की लगाते हैं, ये माशाल्लाह दुम्बा टंगा हुआ भाई पूरा लटका हुआ है। एक नंबर गोश्त भी एक नंबर है, इसका दुम्बा भी एक नंबर। अच्छा इसका जायका भी एक नंबर होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ठीक है, खैबर शोभा चौक रोज होटल, बस सही है इंशाल्लाह, ट्राई करते हैं आपसे। ये दस्ती आपने वजन किया था इसका, कितने किलो की दस्ती है? 3 किलो, 2 किलो 800, ठीक हो गया। ये एक कितने की थी कढ़ाई इनकी? एक कढ़ाई एक इनकी वैसे 600 की है, हमने जो कहला था इस साल की है। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी 300 ग्राम गोश्त होता है एक चैन की में, ठीक हो गया। ये जनाब मछली है, ये जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं भाई मछली बोटी कौन सी, ये है ये मछली, ये देख लो, ठीक हो। आपका नाम क्या? अब्दुल गफ़ार। आप कितनी देर से बना रहे हैं ये? 15-20 साल से हो गए। अच्छा यार इनका स्पेशल चैनकी गोश्त होता है, इसको जो है पहले हमने गोश्त बनवा लिया था, उसके बाद इसको प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर में ये नरम हो जाएगा, उसके बाद एक चैनकी में आ जाएगा। ये चैनकियाँ पड़ी हुई हैं, ये मसाला बना के रखा हुआ पहले से, इसका मसाला। अच्छा अब ये रेडी हो गया है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, कोयले में सारे रख के, ठीक है जोश करेंगे, कोयले में पकाएंगे इसको, अभी 15 मिनट यहाँ रहेगा ये।
ये जनाब इनके पास जो है ना अफगानी पुलाव भी है। ओए 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 ओ भाई जान, ये अफगानी पुलाव है। इसके नीचे सारा गोश्त है, ये बड़े गोश्त का है, बड़े जानवर का। ओए 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 ओ माशाल्लाह, ये लग गया इसको, प्रेशर लग गया, प्रेशर लग गया इसको, ठीक हो गया। ये मछली की बोटी बोटी आ गई हमारी भाई। ये जनाब हमारा इसको प्रेशर लग गया, अब ये चाइना के अंदर इसको जो है कोयले पर रख कर पकाएंगे। ये स्पेशल बनाया हमारे लिए, ठीक हो गया। अगर आपने भी स्पेशल बनवाना है तो उसका तरीका ये है कि इनसे आप आके अलग से अपना गोश्त अपनी मर्ज़ी से तुलवाएं, अपनी मर्ज़ी से कटवाएं, उसको बनवाएं। अगर आप इनसे आकर रेगुलर ऑर्डर कर देंगे तो वो जो नॉर्मल सा गोश्त होता है वो मतलब पल्ले छल्ले होते हैं या छिछड़े वगैरह इस तरह की जो गोश्त होता है उसको डाल के बना देंगे आपको। लेकिन अगर आप इसे स्पेशल बनाएंगे तो अच्छा मिलेगा आपको जो है। अब इसको कितनी देर कोयलों में रखेंगे आप? 15 मिनट रखेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। तो ये जो शोरबा इसके अंदर ये रहेगा? हाँ ये रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो भाई इसको चाइने की कढ़ाई क्यों बोलते हैं? ये तो शोरबा सालन बनता है। ये अफगानी डिश है। अच्छा, क्या ऐसे ही बनता है? ऐसे ही बनते हैं। ओ माशाल्लाह, ये तैयार हो गई है? ये तैयार हो गई। वाह जी वाह, ये भी तैयार हो गया। हाँ जी, ये भी तैयार हो गया। तेरे जो जी, ये हमारी कढ़ाइयाँ तैयार हो गई हैं, चैन की कढ़ाई जो व्हाट्सएप मुझे बता रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चमन के अंदर मिलती है, वो भी आपको पाकिस्तान वाली साइड पे, चमन के अंदर पाकिस्तान वाली साइड पे आपको ये चैन की कढ़ाई मिलती है, वहाँ पर ये बनती है, वहाँ की स्वभाव है। माशाल्लाह, ये आपकी ये स्पेशल अफगानी रोटी है, स्पेशल अफगानी रोटी है। जैसे चैनकी के साथ ये मज़ा करती है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये खमीरी रोटी है ना वैसे तो। ठीक हो गया ठीक हो गया, ये स्पेशल मछली की बोटी है जो हमने बनवाई थी, इसमें हमने ये निकलवा ली। इसमें दो तरह के, हमें ये बड़ा मटका मिला और छोटी ये चैनकियाँ मिली हमें, ये इसको ट्राई करते हैं। अच्छा यार, इसको खाने का तरीका स्पेशल बता रहे हैं, इसको ना इसको सरीद बना के खाना है। ये अफगानी रोटी है, इसमें तोड़ेंगे इसके अंदर, और ये जनाब शोरबा उबलता हुआ। इसके मज़े की बात है कि नीचे इन्होंने कोयले साथ रखे हुए हैं, इसको सर्व करते वक्त ना इन्होंने साथ कोयले साथ दिए हैं ताकि ये गर्म रहे, इस छोटी छोटियों के साथ नहीं है। ये देखो अभी। अच्छा माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, ये शोरबा आ गया। पेंडा वो और चीज़ है, और चीज़ ये बस ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये काली मिर्च। ओए 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 ओए, ये काली मिर्च आ गई। हाँ काली मिर्च, माशाल्लाह। तो जी ये इन्होंने हमें ना पूरी सरीद बना के दी है, इसमें इन्होंने ये चाँप की बोटी भी डाली हुई है, साथ में इन्होंने कि हमें ये बोटी जो है ये भी डाली है, इसमें मिक भी आपको मिल जाएगी। और नीचे सारा शोरबा है, शोरबा सारा इन्होंने इसको बनाया हुआ है। ये पहले सिंपल ट्राई करते हैं, फिर गोश्त का एक बाइट लेंगे इसकी। तो जी ये चेक करो, ये जो नान है ये कश्मीरी अफगानी रोटी, अफगानी इसको पूरा डिप करते हैं इसके अंदर से। ओए ओए गरम भाई, ये बिस्मिल्लाह। ओए 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 यार, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई, ये कमाल। मुझे लग रहा था उसका फ्लेवर जो है ना, होए भाई जान, मैं समझा था बहुत गुफारी चीज़ होगी जिस तरह ये बना रहे थे, लेकिन ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। मैं सर एक लुकमा खिलाऊँ आपको, ये फुल रोगन वाला है ये।
यार इसका जो फ्लेवर है ना सारे का सारा, वो सारा इसके रोगन के अंदर है, रोगन में फ्लेवर है सारा इसका। और ये सही दुबई की चक्की मेरा ख्याल इसने इस्तेमाल किया है, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, कोई हमक नहीं है। शुरू में मुझे लग रहा था इसमें हमक वगैरह स्मेल वगैरह आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं है यार। ए हो हो हो, इसको तो जितना शोरबे में डिप करो, जितना डिप करो उतना कम है। ये लो, ये है यहाँ की स्पेशल कुजीन, ये अफगानिस्तान की कुजीन है, अफगानी खाना है, चमन के बॉर्डर में मिलते हैं। ओह बहुत सारा यार। तो जी ये इसको ट्राई करते हैं इसके साथ बोटी के साथ। ये जनाब इसका गोश्त आ गया, यहाँ से इसकी लेंगे थोड़ी सी बूटी, ये बूटी आ गई। इसको डिप करते हैं फिर शोरबे में। ये भाई सारा रोगन वाला शोरबा ही है, ये बहुत ज़्यादा यार, ये बहुत नेक्स्ट लेवल फूड है। मैं जब लास्ट टाइम पेशावर आया था तो मेरी एक चीज़ फेवरेट थी यहाँ की, वो थी यहाँ का लाल चफूल का रोस्ट जो कारखानों मार्केट में मिलता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पसंद आई ना, उस पर मेरा दिल आ गया, वो ये चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा यार, बहुत कमाल का फ्लेवर है इसका। इसमें पूरी बाइट में फ्लेवर बन रहा है सारा, वो बन रहा है रोटी की वजह से, और इसके जो मसाला है जो रोगन है इसका उसी वजह से, और गोश्त रोगन रोटी जो साथ स्पेशल उन्होंने रोटी दी है वो, और साथ ऊपर आप हल्की सी काली मिर्च का तड़का लगाया इसके ऊपर, बहुत नेक्स्ट लेवल बाइट बनती है यार, बहुत ज़्यादा। ये अपने हाथों से बना के दे रहे हैं ये ना, ये वो वाला कहवा है जो आप कहते हैं कि इसको पीने के बाद अच्छा मजा हो जाता है। ये इसके गुड़ के साथ ये टॉफी बना के ना, इसमें डाल के टॉफी बना के, टॉफी बना के ठीक हो गया। और ये अफगानी कहवा है स्पेशल। इसको पीने का तरीका ना ये होता है कि आप इसको यहाँ से गुड़ उठाएँ, इस वो गुड़ ऐसे मिलता है डलियों की सूरत में, छोटी छोटी डलियाँ नहीं होती, इसको उठा के मुँह में रखें, टॉफी टॉफी साइड में, वो कुछ सिपल है इसका आपने जो भी खाया भी आज, जितनी भी चिकनाई जितना भी फैटी आपने खाया खाना सारे का सारा नल वॉइड हो जाएगा। वो कह रही वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया आज, सबसे जो कमाल फूड था ना आज का वो ये अफगानी चैन की कढ़ाई थी, बहुत कमाल का यार। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे मैं इंस्टाग्राम डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, आपसे कब से होती है मुलाकात होती है लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, हर वीडियो का शॉर्ट फॉर्म के अंदर वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पर भी आती हैं, और साकिब मूवी शॉर्ट्स के नाम से साकिब मूवी का दूसरा चैनल है उस पर भी आती है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।